नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पूरा मामला जनपद कानपुर देहात तहसील भोगनीपुर क्षेत्र के मूषा नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी पवन किशोर मौर्या का है, जहां बिना टेंडर किए अपने चहेते ठेकेदार को टेंडर देकर मानक के विपरीत कार्य कराकर सरकारी रुपए का जमकर गबन कर रहे हैं। वहीं नगर पंचायत में हो रहे विकास कार्यों से नाराज गांव के लोगों ने जब विरोध किया तो सिर्फ जांच का हवाला देते हुए पल्ला झाड़ लिया। कुछ ग्रामीणों ने नाम ना बताने की शर्त पर बताया कि पवन किशोर मौर्या अधिशासी अधिकारी मूषा नगर अपने आप को यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का करीबी बताकर नगर पंचायत मूषा नगर में हो रहे विकास कार्यों में मानक के विपरीत कार्य कराकर सरकारी रुपए का जमकर गबन कर रहे हैं। हेलो, सुनील जी बोल रहे हैं। जी बताइए। ये बताइए, नगर पंचायत मूषा नगर में जो निगरानी समिति बनी है जी, इस पे आपका नाम है क्या? जी हमारा नाम है। अच्छा, तो क्या ये कैसे बनाया गया, सदस्य कैसे बनाए गए हैं? ये मुझे तो भाई साहब जानकारी नहीं है, यो साहब ने कैसा किया है। आपको जानकारी नहीं इस संबंध में? नहीं, देखो हमारे पास मैसेज किया था यो साहब ने। क्या मैसेज किया था? ये जो निर्धारित किए गए हैं बात, वो लोग विजय भैया विद्या सागर भैया का नंबर इसमें है नाम, तो मुझे जानकारी नहीं, उस दिन से मुझे ये साहब भी नहीं, 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 नहीं। आप ये बताइए, यहाँ 6 माह से विकास कार्य चल रहा है जी, और 6 माह से जो भी भ्रष्टाचार चल रहा है वो सामने नजर आ रहा है जी, और जब नगर पंचायत के मानित सम्मानित व्यक्तियों द्वारा इस संबंध में जब पूछताछ की गई अधिशासी अधिकारी पवन किशोर मौर्य जी से जी, तो उसका वो सही जवाब न दे पाए, और उनसे ये भी कहा गया है कि भाई किस आधार से आप विकास करवा रहे हैं, अभी तक टेंडर हुए नहीं, ठेके हुए नहीं, तो कैसे काम चल रहे हैं? तो उन्होंने जवाब दिया है कि हाँ नहीं, इसकी निगरानी समिति बन गई है। जब उनसे निगरानी समिति की कागज मांगा गया है, सदस्यों की लिस्ट मांगी, कौन कौन निगरानी समिति, कैसे किसके आदेश से बनाया गया है, क्या एजेंडा था, उन्होंने कुछ उपलब्ध नहीं कराया। इसके बाद दूसरे दिन वो लिस्ट बन जाती है और जो सदस्य हैं उनको किसी को जानकारी नहीं, ऐसा क्यों? हमको भी नहीं जानकारी क्या है, क्या मामला है, हमको ये सब भी नहीं मिले हैं। सुनील जी, क्या लग रहा है? सुनील जी आपको क्या लग रहा है कि बिना बताए आपको इस तरह से डाला गया, सही है या गलत? ये तो सरासर एक हिसाब से गलत है भाई, बताना तो चाहिए कि भाई ये इस धार पे बनाया जा रहा है और जिनका नाम दिया गया है तो उनको बुलाना भी चाहिए। सबसे पहली बात तो नगर पंचायत जितने वार्ड बनाए हैं आपने जी, उन वार्डों से चार चार पांच पांच लोगों को बैठाल कर बात करना चाहिए। पंडित जी पानी मंगा दीजिए। सुनील जी, जी जी, सभी वार्डों से चार चार पांच लोगों को बैठाल करके उनसे बात करना चाहिए, इसको उनमें से एक व्यक्ति को छांटना चाहिए। ये व्यक्ति योग्य है, विकास कार्यों में निगरानी रखेगा जी, ठीक है। इस तरह से मुनियादी करा करके सभी नगर पंचायत लोगों को सूचना होती और लोगों को मालूम ही नहीं है। हम भाई साहब चर्चा करते हैं उनसे और इसके बाद कल ही देखो बात करके हम उनसे चर्चा करते हैं इस बारे में, ठीक भाई साहब? ओके। और भाई साहब आपने आप पर्चे नहीं दिया, नाम है आपका? मेरा जी यासीन नाम। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? यही मोहल्ले के रहने वाले, बिल्कुल हमारा साइड में। अच्छा, ये जो नगर पंचायत से ये इंटरलॉकिंग रोड बनाने को लेकर जो दीवार बनाई जा रही, किस आधार पे काम किया जा रहा है? ये अच्छा नहीं हो रहा काम, लंबा धोखा काम है ये सब, ऐसे इसी तरीके से ना होना चाहिए। आज बन जाए कल गिर जाएगी तो क्या अच्छा लगेगा इसको, फिर वही कबाड़ बन जाएगा। यहाँ अच्छी नहीं बन रहा, ये सब बेकार गलत चीजें ही फालतू भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो सरकार का पैसा उसको जो है पलीता लगाया जा रहा है, पलीता लगा है, जो फॉर्मेलिटी है ये तो कुछ नहीं, तो एक लोकल काम करा दे के तैयार कर रहे हैं। परिचय, मैं पवन किशोर नगर पंचायत। सर, नगर पंचायत मूषा नगर में अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुछ जगह काम चल रहा है,
यहाँ पर रोड, रोड के बाद नालियों, नाली का काम या इंटरलॉकिंग जो बॉर्डर बनाए जाते हैं, जहाँ पे मानक के विपरीत, यहाँ तक कि मटेरियल हो चाहे ईटा हो, यहाँ तक कि जो गहराई की बात की जाती है बॉर्डर की, सब अन्यताएं हैं, कमियां हैं और लगातार लोग आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। इसके बावजूद काम चल रहा है और आपको जानकारी होने के बावजूद ऐसा हो रहा है? नहीं, अभी तक कार्रवाई में इस प्रकार कोई आपत्ति नहीं है। जितने भी कॉन्ट्रेक्टर हैं, जो हमारे रजिस्टर्ड, जिनको काम मिला है, हम लोगों ने स्पष्ट और कड़ा निर्देश दे रखा है काम मानक के अनुरूप है। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो उसको हम अपने अवरवंता और सहायक अवरवंता से जाँच करवाएंगे और संबंधित जो है ठेकेदार पर कार्रवाई करेंगे। दोबारा उसको काम नहीं दिया जाएगा या जो भी होगा। अभी काम शुरुआत हुआ है कई जगहों पर, यदि कहीं इस तरह कहीं कोई निमित्ता पाई उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। सर, कहा जाता है कि अगर इमारत अगर आप बना रहे हैं तो नींव मजबूत होनी चाहिए, तो इतना जो काम हो चुका है, तो इस काम जो मकाम चल हो चुका है, इसको आप क्या करेंगे? क्या जो काम हुआ है हमारे और अभियंता और सहायक अभियंता देख रेख में हुआ है और उनके अनुसार माने के रूप है। अगर इसमें कोई कमी पाई जाती है तो हमारे नियम है कि 6 माह की जिम्मेदारी होती है कॉन्ट्रेक्टर की, उसकी 10% सिक्योरिटी रोकी जाती है। यदि भविष्य में कोई कमी पाई जाए तो सिक्योरिटी काट के या उसके खिलाफ अनदंडात्मक कार्रवाई की जाए। सर, आपके ऑफिस से महज 50 मीटर दूर पे ये कार्य हो रहा है, क्या आप चल के देखने तक नहीं जा सके? नहीं, जब मुझे जानकारी नहीं, जानकारी सर 50 मीटर आपके ऑफिस से 50 मीटर महज दूरी है, आप वहीं से निकल रहे हैं, वहीं से उठ रहे हैं, वहीं से बैठ रहे हैं, आप इतना भी नहीं देख सकते ऑफिस के पास ये कार्य हो रहा है? इस पे क्या समझा जाए, आपकी लापरवाही बढ़ती जा रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आपने एक जेई के ऊपर डाल दिया, आप मेन अधिकारी है, जेई कौन है आपके ऊपर? जेई है आपके बिना होती की आप कुछ काम नहीं हो सकता, ईटा नहीं लग सकता है। तकनीकी मामलों के लिए और अभियंता और सहायक अभियंता देखते हैं। हमारा काम होने के बाद फिजिकल वेरिफिकेशन का होता है। जिस दिन वर्क ऑर्डर जारी होता है, संबंधित वर्क ऑर्डर सहायक अभियंता और अभियंता को प्रेषित कर दिया जाता है। तो क्या आप मौके पर चल के भी आप जा सकते हैं? प्रतिदिन की निगरानी जिम्मेदारी जी, क्या मौके पर चल के आप जांच कर सकते हैं? अभी बिल्कुल जांच कर सकते हैं। अभी नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद कली। कहाँ के रहने वाले? यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, ये नगर पंचायत की जो ये ऑफिस के बगल में जो रोड किनारे नाली बन रही है या दीवार बन रही है, किस आधार पर काम चल रहा है? ये आधार से काम चल रहा है कि जो भी उनका है नजर नगर पंचायत का, तो वो अपने आधार से काम करा रहे हैं। लेकिन हमारे हिसाब से ये जो नी होती है, एक बुनियाद, उसको मजबूत होना चाहिए। ये बिल्कुल एक हल्का सा फड़वा मार के और बराबरिंग करके दीवार उतार रहे हैं, तो नीचे की जो है ना पुख्ता, वो चीज मजबूताई नहीं ले रहे, तो उसको कम से कम 2 फुट नीचे लेना चाहिए। क्या लग रहा है, मानक के आधार से काम नहीं चल रहा ना? हाँ,